नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जून 2018 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम दिसंबर 2018 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, इस चैनल का पर्पस है कि आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाए विदाउट एनी मिस्टेक्स, बट इन करेंट हमसे टू मिस्टेक्स हो गई। फर्स्ट मिस्टेक्स है जो कि आप करेक्शन करेंगे, दिसंबर 2017 का जो सॉल्यूशन है उसमें क्वेश्चन नंबर 93, दिसंबर 2017 क्वेश्चन नंबर 93, इसमें ऑप्शन सेकंड रॉन्ग ऑप्शन होगा। ओके, हमने कंप्लीट उसको सॉल्व किया है, वहां ऑप्शन सेकंड हमारा रॉन्ग होगा, बट बाय मिस्टेक वो राइट पे क्लिक हो गया, तो आप उसे राइट न करें, वो ऑप्शन हमारा सेकंड रॉन्ग होगा। एंड नेक्स्ट जो मिस्टेक्स है वो हमारी जून 2018 के क्वेश्चन नंबर 93 में ऑप्शन 4 को जो हमने सॉल्व किया था और वहां हमने ए ऑफ एक्स को माना था। ओके, हमने ए ऑफ एक्स क्या माना था, हमने a of x माना था 1 plus 2x upon में x square plus 1। यहां आपको ये corrections करना है, 1 plus 2x upon में x square minus 1। ओके, यहां plus लिखा गया, हमसे क्या आएगा, हमारा minus आएगा। और लास्ट में हमने इसके जो factors थे वो हमने मान लिए थे x का मान plus minus 1। ओके, तो plus minus iota पे होंगे जबकि वो real पे define था, तो ये फंक्शन हम मानेंगे और यहां हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, 0, और यहां से x का मान प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हमारा थोड़ा सा उसमें चेंज कर लेंगे हम, फर्स्ट ये इसको रॉन्ग मानेंगे और जहां हमने ax को ये माना है वहां आप ये मानोगे, बाकी सेम वही प्रोसेस है। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन है हमारा पार्ट बी का क्वेश्चन 41, इफ y1x एंड y2x, ओके, y1 एंड y2 आर टू सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है और इसके टू सॉल्यूशन हमें y1 एंड y2 गिवन है, cos x y डबल डैश प्लस sin x y डैश माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस x स्क्वायर y इक्वल्स टू 0 for all x belongs to minus pi by 2 pi by 2 with y1 0 equals to root 2 y1 dash 0 equals to 1 y2 0 equals to minus root 2 and y2 dash 0 equals to 2 ये हमें given that है। then the row square of y1 and y2 at x equals to pi by 4 is, ये हमारे पास में options है। okay, तो row square का क्वेश्चंस है और हम जानते हैं कि रोस्कियंस है, उसका फॉर्मूला होता है हमारा डिटरमिनेंट में y1x y2x y1-x y2-x, ये हमारे रोस्कियंस का फॉर्मूला है। और यहां हमें जीरो के ऊपर इनकी कंडीशंस दी हुई है, दैट मींस रोस्कियंस जीरो के ऊपर इसका जो मान होगा वो बनेगा हमारा y1 0 y2 0 y1 dash 0 y2 dash 0 का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू, इनकी हमें वैल्यूज दी हुई है, y1 0 root 2 y2 0 minus root 2 y1 dash 0 1 y2 dash 0 2 equals to, इन्हें हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारा 2 root 2, ये माइनस माइनस हमारे प्लस होंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 3 root 2। तो इसका जो मान है हमारे पास में वो आया 3 root 2। अब यहां हमें रोस्कियंस x की वैल्यू pi by 4 पे हमें वैल्यू पूछी गई है,
तो रोस्किंस का एक फॉर्मूला होता है हमारा ये, और यदि हमें इस टाइप की इक्वेशंस दी हुई है a नॉट y डबल डैश प्लस a वन y डैश प्लस a टू y इक्वल्स टू जीरो, तो इस टाइप की जो इक्वेशंस है यहां हम रोस्किंस की जो फॉर्मूला है एबेल्स फॉर्मूला, ओके एबेल्स फॉर्मूले से हम इसका मान लिखते हैं c e की पावर माइनस इंटीग्रेशंस, यहां हमारे पास में a1 अपॉन में a0 dx, ये इसका फॉर्मूला होता है एबेल्स फॉर्मूले की हेल्प से। तो यहां हम इसकी कंपेयर करें, हमें जो इक्वेशंस दी हुई है यहां से जो wx हमारा बनेगा c e की पावर माइनस a1 है हमारा y डैश का कोफिशिएंट, y डैश का कोफिशिएंट हमारा sin x अपॉन में a नॉट y डबल डैश का कोफिशिएंट cos x dx, c e की पावर माइनस इंटीग्रेशंस tan x c e की पावर, tan x का क्या होगा इंटीग्रेशंस, tan x का होगा हमारा log sec x एंड माइनस log cos x, तो यहां माइनस है तो हमने माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा log cos x, और हम जानते हैं e log का मान 1 होता है, तो हमारे पास रोस्किन और x का जो मान आया वो आ गया c cos x, हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हमने x का मान 0 रखा, तो c cos 0, रोस्किन 0 का मान हमारे पास में दिया हुआ है हमें 3√2 इक्वल्स टू c cos 0 का मान 1, तो c का मान आ गया हमारा 3√2, तो रोस्किन ऑफ x का जो मान बना वो बना हमारा 3√2 cos x। अब हमें वैल्यू पूछी है x इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे, तो रोस्किन्स ऑफ पाई बाय 4 इक्वल्स टू 3√2 cos पाई बाय 4 का मान 1√2, ये कैंसिल होके इसका मान 3 आएगा, तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी का ही है, क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42 में हमें दिया हुआ है द क्रिटिकल पॉइंट, ओके क्रिटिकल पॉइंट हमें 0 0 दिया हुआ है फॉर द सिस्टम x dash t equals to x minus 2y plus y square sin x and y dash t equals to 2x minus 2y minus 3y cos y square is a stable spiral point, unstable spiral point, stable node saddle point, okay ये हमारे पास में options है। तो हमने क्या किया, यहां से ये जो values है इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, इन्हें हम फंक्शंस के रूप में लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन को। तो x है तो हमने f मान लिया इसे, और ये हमारा x minus 2y plus y square sin x, एंड इसे हमने एक अनोदर फंक्शन मान लिया g x y 2x minus 3y sorry 2x minus 2y minus 3y cos y square, ओके यहां इसकी जो जेकोबी मैट्रिक्स बनेगी हमारी जेकोबी मैट्रिक्स वो बनेगी हमारे पास में f x, जो भी हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट है उनके ऊपर f x 0 0 f x हमारा f y 0 0 g x 0 0 एंड जी वाई 0 0, ओके दैट मींस f का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, जो वैल्यू है वहां x का मान 0 y का मान 0 पुट अप करना है, ऐसे y के g का x के g का y के, तो ये बनेगा हमारे पास में f का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में मान, यहां से हमारे पास में इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो fx बनेगा हमारे पास में 1 ये 0, और यहां से हमारे पास में बनेगा y square cos x, y square cos x।
अब जीरो जीरो के ऊपर हमारा ये कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं होगा, y का मान जीरो पे कंप्लीट जीरो बन गया, तो इसका मान है हमारा वन। एफ वाई, एफ का y के रेस्पेक्ट में करेंगे हम, तो एफ वाई बनेगा हमारे पास में माइनस का टू प्लस टू वाई साइन एक्स। अब हम x का मान जीरो y का मान जीरो पुट अप करेंगे तो ये जीरो बनेगा, यहां आएगा हमारा माइनस टू। अब यहां हम जी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो जी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा हमारा टू, बाकी वाई का फंक्शन है जीरो हो जाएगा हमारे पास में, तो ये बनेगा टू। जी वाई, तो जी वाई बनेगा हमारे पास में जी वाई, ये जीरो माइनस का टू माइनस ये फर्स्ट सेकंड मान के हम इसके डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो थ्री कॉस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई साइन वाई स्क्वायर, कोस का बनेगा माइनस तो ये प्लस होगा, वाई स्क्वायर का बनेगा टू वाई, टू हमने ऑलरेडी मल्टीपल कर रखा है, वाई स्क्वायर बनेगा। जैसे हम एक्स जीरो वाई जीरो पुट अप करेंगे तो ये हमारा जीरो बनेगा, इसका मान हमारा वन होगा, तो यहां से माइनस थ्री माइनस टू हमारा माइनस फाइव बन जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास में जेड की वैल्यू। अब हमें यहां से आइगन वैल्यूज निकालने हैं, तो आइगन वैल्यूज हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज के लिए हम जे माइनस आयोटा लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में वन माइनस लैम्डा माइनस टू, टू माइनस फाइव माइनस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। और यहां से हम लैम्डा की वैल्यूज निकालेंगे और लैम्डा की वैल्यूज डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो यहां जो हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू बनेगी जे माइनस आयोटा लैम्डा इक्वल्स टू, ये हमारा वन माइनस लैम्डा इंटू माइनस फाइव माइनस लैम्डा माइनस टू इंटू माइनस टू इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू, ये हमारा माइनस फाइव माइनस लैम्डा प्लस फाइव लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो, ये वैल्यू आई हमारे पास में लैम्डा स्क्वायर, ये फाइव लैम्डा ये माइनस का लैम्डा प्लस के फोर लैम्डा, ये माइनस का फाइव ये प्लस का फोर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस फोर लैम्डा माइनस वन हमारे पास में इक्वेशन आ गई। और यहां से हम लैम्डा का मान श्रीधराचार्य फॉर्मूले से वेरीफाई करें तो माइनस बी क्या होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, और वेयर इक्वेशंस क्या है हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। यहां से हम फॉर्मूले से कंपेयर करें तो हमारे पास में वैल्यू आएगी लैम्डा की, लैम्डा बनेगा हमारा माइनस फोर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर सिक्सटीन माइनस फोर ए सी फोर माइनस वन अपॉन में टू इक्वल्स टू, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में माइनस फोर प्लस माइनस सिक्सटीन प्लस फोर रूट ट्वेंटी बाई टू। यहां से हमारे पास में फोर कॉमन आ जाएगा, यहां से ये हमारे पास में वैल्यू बनेगी, टू से कैंसिल करेंगे फोर कॉमन लेंगे टू आएगा, तो माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट फाइव। ओके, यहां से हमारे पास में वैल्यू जो आ रही है वो वैल्यू हमारी एक पॉजिटिव आ रही है, यहां से माइनस रूट टू प्लस रूट फाइव, और एक आ रही है माइनस टू माइनस रूट फाइव। यहां से इसका रूट फाइव का मान टू से ग्रेटर देन होगा तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव होगी, और यहां हमारा दोनों ही नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगी। अब इसके जो टेबल है आपकी वो आपके जून 2015 जून 2015 क्वेश्चन नंबर 96 जून 2015 क्वेश्चन 96 में कंप्लीट टेबल बनाई हुई है, वहां से आप इसका सॉल्यूशन जो भी आपके ऑप्शन से लैम्डा की वैल्यू पे क्या बनेंगे हमारे पास वो देख सकते हैं। यदि आपने नहीं देखा तो, यदि देख लिया तो अच्छी बात है, आपको कंफर्म हो गया होगा।
तो यहाँ लैम्डा की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हमने क्या ऑप्शंस देखा था? सैडल पॉइंट। ओके, एक पॉजिटिव नेगेटिव रियल वैल्यूज है तो वो किस क्या होता है? हमारा सैडल पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है, क्वेश्चन 91। क्वेश्चन 91 में हमसे दिया गया है थ्री सॉल्यूशंस। ओके, थ्री सॉल्यूशंस ऑफ ए सर्टेन सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सर्टेन सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आर, ये थ्री सॉल्यूशन है नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के, और वो कैसी है? हमारी सेकंड ऑर्डर की। y1 है हमारा 1 plus x e की पावर x स्क्वायर, y2x है 1 plus x into e की पावर x स्क्वायर minus 1 and y3x है 1 plus e की पावर x स्क्वायर। Which of the following is our general solution of the differential equation? Okay, तो ये जो option है, question है हमारा, एक basic knowledge के ऊपर questions पूछा गया है। ये question कह रहा है कि कोई सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशन हमें ये दिए हुए हैं, तो अगेन हम इन सॉल्यूशन से नॉन होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो तभी होंगे जब इनके कांस्टेंट का सम वन होगा। यदि अगेन ये किसी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे, यदि हम इनको कंबाइन करके बनाएं, तो वो कब होंगे? जब इनके कांस्टेंट का सम वन हो। अब यहां हम देखें ऑप्शन फर्स्ट में देखो सी वाई टू का जो कांस्टेंट है सी टू y2 का कांस्टेंट, ओके okay, y1 y2 y3 के जो कांस्टेंट है उनका सम करना है हमें, तो फर्स्ट के अंदर हमारे पास में c1 plus 1 plus c2 minus c1 minus c2 equals to c2 से c2 cancel, c1 से c1 cancel, 1 आ गया, that means ये हमारे नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे। ऐसे ही हम ऑप्शन सेकंड की बात करें तो यहां देखो y1 का कोफिशिएंट c1 और y2 का क्या होगा? माइनस c1, तो कैंसिल आउट होगा। y2 का c2 माइनस y3 का माइनस c2 कैंसिल आउट हो गया। दैट मींस यहां जो हमारे पास में सम ऑफ कोफिशिएंट है वो आया हमारे पास में जीरो। ओके, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ऐसे यहां भी हमारा प्लस माइनस है तो कैंसिल, प्लस माइनस है कैंसिल, प्लस माइनस है कैंसिल, जीरो, तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। यहां प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 1। तो फाइनली हमारे पास सम क्या है? 1। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो बेसिक नॉलेज के ऊपर क्वेश्चंस था, तो इसके ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन फोर हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का ही है, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन 92 है द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ओके, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड है टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस p ऑफ x y डैश प्लस q ऑफ x y इक्वल्स टू r ऑफ x। इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करें, वेयर x बिलोंग्स कर रहा है हमारा इंटरवल में, एंड p ऑफ x q ऑफ x r ऑफ x आर नॉन जीरो कंटीन्यूअस फंक्शन। ओके, ऑन एन इंटरवल i, तो इस इंटरवल के अंदर px qx rx कैसे हैं? नॉन जीरो कंटीन्यूअस फंक्शन है। सिक्स ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सिक्स ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन दैट मींस पीआई। ओके, इसका जो पीआई है वो पीआई हमारा ये इस फॉर्म के अंदर है, ये है इसका पीआई, ये हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है। ypx equals to v1x y1x plus v2x y2x, where y1 and y2, where
y1 and y2 are linearly independent solution of y double dash plus p of x y dash plus q of x y equals to 0 और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ओके इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वल करके जो सॉल्यूशंस निकालते हैं वो सॉल्यूशन कहलाता है हमारा सीएफ, ओके ये हमारा सीएफ है, सीएफ तो सीएफ का जो सॉल्यूशन है वो हमारा वाई वन वाई टू है और इस इक्वेशन का जो पीआई है हमारा वो पीआई ये है हमें दिया हुआ है एंड वी वन एक्स एंड वी टू एक्स आर फंक्शंस टू बी डिटरमाइंड, ओके वी वन एक्स और वी टू एक्स हमारे फंक्शंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरीली ट्रू, ओके ये हमें दिया हुआ। अब देखो वाई वन और वाई टू रोस्कियंस के अंदर हमें कंडीशन दी हुई है, कैसा है हमारा, यहां हमें y1 एंड y2 दिया हुआ है, y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, कैसे है y1 एंड y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट इंप्लाइज करके ये बता रखा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए रोस्कियंस का मान क्या होगा हमारा नॉट इक्वल जीरो, तो द रोस्कियंस ऑफ y1 एंड y2 इज नेवर जीरो इन i, ओके For all x belongs to हमारा i, ये हमारी conditions होती है, इनको हमने previous lecture में अच्छे से discussion किया है, तो option first हमारा right answer होगा, independent के लिए no never zero होगा, तो ये हमारा right answer, option second v1 v2 and v1 y1 are twice differentiable function, okay second and third हमारे same है, तो एक राइट होगा एक डिस्कार्ड होगा, तो हम इसको देखते हैं। इससे पहले हम ऑप्शन फोर की बात कर ले, ऑप्शन फोर दिया हुआ है द सॉल्यूशन ऑफ द वाई डबल डैश, ओके कंप्लीट इस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है कंसिस्ट ऑफ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस वाई पी वेयर ए पी बिलोंग्स टू आर आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, ओके किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम क्या लिखते हैं, किसी डिफरेंशियल इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन लिखते हैं सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई और सी एफ में जो सॉल्यूशन होते हैं उन्हें हम कॉन्स्टेंट से मल्टीपल करते हैं, तो सी वन इसका सॉल्यूशन हमें वाई वन और वाई टू दिया हुआ है, तो ये तो आ गया हमारे पास में सी एफ और इसका जो पी आई है पी आई हमें क्या दिया हुआ है वाई पी एक्स और ये हमारा इसी फॉर्म में है, C1, C2 हमारे कॉन्स्टेंट है, यहाँ A और B की बात की गई है और YPX हमारा ये है, तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शंस में से कौन सा राइट होगा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, तो यहाँ जो हमारे पास में कंडीशंस है उन कंडीशंस की हेल्प लेते हैं हम, हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है YPX, YPX इक्वल्स टू वी वन, इसको शॉर्टली हम वी वन एक्स वाई वन लिख लेते हैं, वी टू वाई टू, ये हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, दैट मींस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन में क्या है वाई डबल डैश, तो इसका हम टू टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका फर्स्ट टाइम्स तक हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास वी वन वाई वन डैश प्लस y1 v1 डैश v2 y2 डैश प्लस v2 डैश y2, ओके ये हमें दिया हुआ है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये कंडीशंस होती है, वहां वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड में y1 v1 डैश प्लस y2 v2 डैश इक्वल्स टू जीरो, ओके ये हम चूज करते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में। यदि डाउट्स हैं तो इसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशंस के नाम से, वहां आप यूनिट फॉर्म में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का एक कंप्लीट लेक्चर बना हुआ है, वहां आप देख सकते हैं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमारे पास में जीरो है, तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनी वाई पी डैश इक्वल्स टू वी वन वाई वन डैश प्लस वी टू वाई टू डैश, हमें
इसका टू टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करना है, तो वाई पी डबल डैश इक्वल टू वी वन वाई वन डबल डैश वी वन डैश वाई वन डैश वी टू वाई टू डबल डैश प्लस वी टू डैश और वाई टू डैश। ओके, ये डैश के ऊपर जीरो नहीं लेंगे, केवल वी वन वाई वन और वाई टू के लिए ये जीरो हम लेते हैं। अब यदि ये हमारे पास में इक्वेशंस बन रही है, ये यहां तक इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है। अब हम ऑप्शन थर्ड की बात करें, वी वन एंड वी टू मे नॉट बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल, बट वी वन वाई वन प्लस वी टू वाई टू इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। ऑप्शन सेकंड है, वी वन वी टू एंड वी वन वाई वन प्लस वी टू वाई टू आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल। दैट मीन्स इसके अंदर यदि v1 डबल डैश v2 डबल डैश दिया हुआ है और ये तो इसका सॉल्यूशन है v1 y1 v2 y2, तो ये तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है, टू ऑर्डर की है, तो ये तो हमारा इसको ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा। अब v1 और v2 भी होंगे क्या? तो इस इक्वेशन में यदि हमारे पास में v1 डबल डैश और v2 डबल डैश आ रहे हैं, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा और v1 डबल डैश और v2 डबल डैश भी हमारे डिफरेंशिएबल होंगे तभी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां हम देखें क्या इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो यहां हमारे पास में केवल v1 डैश और v2 डैश है, इसका मतलब v1 का फर्स्ट टाइम तक डिफरेंशिएबल तो होगा, कंपलसरी है, बट सेकेंड टाइम्स तक हो ये पॉसिबिलिटी ये नहीं दे रहा, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ऑप्शन थर्ड कह रहा है मे नॉट बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल बट ट्वाइस डिफरेंशिएबल, तो ऑप्शन सेकंड हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा और ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर होंगे हमारे ऑप्शन फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, और ऑप्शन सेकंड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन 93 है, कंसीडर द आइगन वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमें एक आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स दी हुई है और ये जो x हमारा बिलोंग्स कर रहा है वो ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन में बिलोंग्स कर रहा है, और यहाँ से हमारे पास में ये वैल्यूज दी हुई है, y माइनस वन इक्वल है y ऑफ वन के एंड y डैश माइनस वन इक्वल है y डैश वन के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो यहां से हमें ये जो लैम्डा है, लैम्डा आइगन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ऑप्शंस जो बने हुए हैं वो हमारे आइगन वैल्यूज के ऊपर बने हुए हैं। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, हमें थ्री केसेस ले सकते हैं। केस हमने फर्स्ट लिया जब हमारा लैम्डा इक्वल्स टू जीरो है, उस कंडीशन में हमारे पास में वाई डबल डैश का मान जीरो और यहां से वाई ऑफ एक्स का मान होगा हमारा ए एक्स प्लस बी। क्या होगा हमारा? ए एक्स प्लस बी, यहां हमें कंडीशंस दी हुई है तो इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, ये बना हमारे पास में a। अब यहां हम कंडीशंस अप्लाई करें, y ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू y ऑफ वन, तो ये y ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू y ऑफ वन से जो हमारे पास में वैल्यू बनेगी वो बनेगी माइनस वन रखेंगे तो माइनस का a प्लस बी इक्वल्स टू प्लस वन रखेंगे तो a प्लस बी, b से b कैंसिल हो जाएगा हमारा, और यहां से ये a और a ट्वाइस a होंगे तो a का मान जीरो आ जाएगा। ओके, a का मान जीरो आ गया। सेकंड हमें दी हुई है y डैश माइनस वन इक्वल्स टू y डैश वन, इंप्लाइज करके y डैश में हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यूज है, दैट मींस a इक्वल्स टू a, a इक्वल्स टू a और a a के इक्वल होता है, तो यहां से a का मान हमारा जीरो हुआ और b हमारा आर्बिट्रेरी हो गया, दैट मीन्स ये एक नॉन जीरो सॉल्यूशन है, आर्बिट्रेरी है तो जरूरी नहीं, कंपल्सरी नहीं b का मान जीरो ही हो,
जीरो के अलावा हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास में लैम्डा इक्वल्स टू जीरो इसका एक आइगन वैल्यू है, लैम्डा इक्वल्स टू जीरो इसकी एक आइगन वैल्यूज है। अब हम केस सेकंड की बात करें, जब लैम्डा हमारा लेस देन जीरो है, उस कंडीशन में हमने लैम्डा को म्यू स्क्वायर मान लिया, तो यहां से जो हमारे पास में वैल्यूज बनी y डबल डैश लैम्डा नेगेटिव है तो माइनस म्यू स्क्वायर मानेंगे, अब माइनस म्यू स्क्वायर और ये हमारा y इक्वल्स टू जीरो। इसके लिए जो y ऑफ x बनता है हमारा वो बनता है सी वन e की पावर म्यू एक्स प्लस सी टू e की पावर माइनस म्यू एक्स। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा y डैश x इक्वल्स टू सी वन म्यू e की पावर म्यू एक्स माइनस सी टू म्यू e की पावर माइनस म्यू एक्स। ये यहां हमारे पास में वैल्यूज आ गई। अब यहां हम बाउंड्री ये जो कंडीशन से अप्लाई करें y माइनस वन इक्वल्स टू y ऑफ वन इम्प्लाइज करके, यहां हम माइनस वन और वन रखेंगे तो ये बनेगा c1 वन e की पावर म्यू प्लस c2 टू e की पावर माइनस म्यू इक्वल्स टू, ये हमारे पास में माइनस वन रख रहे हैं हम, तो ये तो माइनस और ये प्लस बन जाएगा इक्वल्स टू। अब हम वन रखेंगे तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी c1 वन e की पावर म्यू c2 टू e की पावर माइनस म्यू, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यहां से हम c1 और c2 को एक साथ लें तो हमारे पास में कंडीशंस बनी, ये बनेगा हमारे पास में c1 e की पावर म्यू प्लस e की पावर माइनस म्यू और ये बनेगा हमारे पास में प्लस c2 e की पावर म्यू माइनस e की पावर माइनस म्यू इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास में कंडीशंस आ रही हैं, इनके हम डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन की वैल्यूज के ऊपर हमारे पास में मान दिया हुआ है हमें y डैश माइनस वन इक्वल्स टू y डैश वन, ये बनेगा हमारे पास में c1 वन म्यू कॉमन आ जाएगा हमारा c1 वन e की पावर म्यू माइनस, यहां माइनस वन रख रहे हैं हम तो ये हमारा माइनस में माइनस c2 e की पावर म्यू इक्वल्स टू म्यू, वन रखेंगे तो बनेगा हमारा c1 e की पावर म्यू प्लस सॉरी माइनस c2 e की पावर माइनस म्यू, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, यहां से हम c1 की कंडीशंस लें तो ये बनेगा हमारे पास में e की पावर म्यू माइनस e की पावर म्यू प्लस c2, ये हमारा लेफ्ट साइड में आएगा पॉजिटिव बनेगा e की पावर माइनस म्यू और माइनस e की पावर म्यू इक्वल्स टू जीरो। अब ये हाँ हमारे पास में ये वैल्यू है, यहाँ हमारे पास में ये वैल्यूज है, तो यहाँ जो हमारे पास में कंडीशंस है यहाँ यदि हम देखें तो इसका मान हमारा कभी भी जीरो नहीं बनेगा। ओके e की पावर नॉट जीरो बनेगा, ये जो कंडीशन है ये भी हमारा कभी जीरो नहीं बनेगा। कब जीरो बनेगा? जब म्यू का मान जीरो हो, जबकि हमने क्या लिया है लैम्डा लेस देन जीरो, इसका मतलब म्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, तो ये भी हमारा नॉट इक्वल जीरो है, इसका मतलब नॉन जीरो। नॉन जीरो और दो नॉन जीरो का जो सम हम कर रहे हैं उसका मान क्या आ रहा है हमारा जीरो आ रहा है, तो या तो हमारे पास में ये वैल्यूज हमारी इक्वल है नहीं, ये वैल्यू हमारे इक्वल है नहीं जिससे कि c1 हमारा माइनस c2 हो, तो ये इक्वल भी नहीं है, नॉन जीरो है और ये कांस्टेंट अलग अलग मल्टीपल में है इनके, इनका सम जीरो आ रहा है, तब तो ये कब होगा जब इन दोनों का मान क्या हो हमारा जीरो। ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का मान हमारा जीरो हो, तो c1 और c2 दोनों ही जीरो आ गए, तो यहां से जो हमारे पास में कंडीशंस बनी वहां से ये एक ट्रिवियल सॉल्यूशन बना, और ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कोई भी आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती। एंड लास्ट हम थर्ड केस की बात करें लैम्डा ग्रेटर देन जीरो,
हमने मान लिया लैम्डा को म्यू स्क्वायर के, तो यहाँ से जो वाई ऑफ एक्स बनेगा हमारा वो बनेगा सी वन सी टू तो हमने मान नहीं रखे हैं, तो यहाँ से हमने मान लिया सी कॉस म्यू एक्स प्लस डी साइन म्यू एक्स, ये वाई ऑफ एक्स का आ गया, और वाई डैश एक्स बनेगा हमारे पास में म्यू कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा हमारा माइनस का सी साइन म्यू एक्स प्लस डी कॉस म्यू एक्स, ये आ गया हमारे पास में इसका डिफरेंशिएशन। अब हम यहां कंडीशन से अप्लाई करें वाई ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू वाई ऑफ वन इंप्लाइज करके, तो ये बनेगा हमारे पास में सी कॉस कॉस माइनस थीटा होगा हमारा प्लस, तो कॉस म्यू ये माइनस में आ जाएगा डी साइन म्यू इक्वल्स टू, जैसे हम वन रखेंगे तो ये बनेगा हमारा सी कॉस म्यू प्लस डी साइन म्यू, सी कॉस म्यू से सी कॉस म्यू कैंसिल हो जाएगा, ये ट्वाइस होंगे, तो हमारे पास में क्या वैल्यूज बनेगी, हमारे पास वैल्यू बनेगी टू डी साइन म्यू इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से या तो डी जीरो होगा या साइन म्यू जीरो होगा, डी हम जीरो लेंगे नहीं, साइन म्यू भी हमारा जीरो हो सकता है, तो उस कंडीशन में म्यू हमारा क्या होगा एन पाई के इक्वल होगा, म्यू हमारा किसके इक्वल होगा एन पाई के। अब नेक्स्ट हम लें कंडीशन हमारी वाई डैश माइनस वन इक्वल्स टू वाई डैश वन इंप्लाइज करके, यहां से जो हमारे पास में वैल्यू बनेगी इसका डिफरेंशिएशन है म्यू, ये बना हमारा माइनस का सी साइन म्यू, यहां हम एक्स की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस रहेगा डी कॉस म्यू, इक्वल में है हमारे पास में म्यू माइनस का सी साइन म्यू प्लस का डी कॉस म्यू, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, और यहां हमारे पास में ये डी और ये डी कैंसिल होंगे, यहां से हमारे पास में वैल्यू आएगी टू सी साइन म्यू इक्वल्स टू जीरो। ओके, यदि यहां हमने डी को जीरो किया, साइन म्यू नॉन जीरो है, तो यहां भी इस सी को जीरो करना होगा, और सी और डी यदि हमारे जीरो हो गए तो हमारे पास में ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, जबकि हमें यहां एक पॉसिबिलिटी और है कि साइन भी हमारा जीरो हो सकता है, यहां तो था हमारे पास में कि ये कभी भी जीरो नहीं होंगे, बट यहां हमारे पास में पॉसिबिलिटी है साइन जीरो हो, यदि साइन जीरो नहीं है तो सी और डी दोनों जीरो होंगे तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, यदि ये जीरो है तो हमारे पास म्यू का मान क्या आया एन पाई, और यहां से जो लैम्डा बनेगा हमारा लैम्डा क्या बनेगा हमारा म्यू स्क्वायर, दैट मींस हमारे पास में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ये बनेंगे हमारे पास में, और यहां जो ये एन होता है ये एन होता है हमारा जीरो वन टू एन सो जीरो वन टू एन सो, तो हमारे पास में जो एन की जो वैल्यू है यहां देखो पाई स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव होगा, एन स्क्वायर करेंगे हमेशा पॉजिटिव होगा, दैट मींस इसकी जो आइगन वैल्यूज आ रहे हैं वो कैसी आ रही है हमारी पॉजिटिव आ रही है, और जीरो भी आ रहा है, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, तो यहां हम ऑप्शंस पे आते हैं, ऑल आइगन वैल्यूज आर स्ट्राइकली पॉजिटिव, स्ट्राइकली पॉजिटिव होता है यदि लैम्डा हमारा 1 2 3 4 5 ऐसे आता, जबकि लैम्डा में जीरो भी आ रहा है इसका मतलब स्ट्राइकली पॉजिटिव नहीं होने वाले, All eigen values are non-negative, okay, non-negative, और non-negative में zero भी include होता है, that means positive है, negative नहीं है, तो zero भी होगा और सभी और positive terms भी होंगी lambda की जो भी values, और ये हमें clearly दिख रहा है यहाँ positives होंगे और zero भी हमारा आ रहा है, तो ये option हमारा right होगा। Distinct eigen functions are orthogonal in L square minus 1 to 1. Okay, ये basic knowledge है जो
इंटरवल हमें दिया हुआ है, उस इंटरवल में नॉन जीरो और जो डिफरेंट है डिस्टिनक्ट, ओके, डिस्टिनक्ट आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल, आर ऑर्थोगोनल होते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है यदि हमारे जो आइगन फंक्शन है वो डिस्टिनक्ट है तो उस इंटरवल के अंदर हमारे क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट होगा, द सीक्वेंस ऑफ आइगन वैल्यूज इज बाउंडेड अबोव। तो बाउंडेड अबोव है क्या, यहाँ n, n खुद ही बाउंडेड नहीं है, n की वैल्यू कहां तक होती है, 1, 2, 3 इन्फिनिटिव, यहां हमने जीरो से इसको इंक्लूड किया है, यहां इन्फिनिटिव आ रहा है, तो ये बाउंडेड अबोव नहीं होगा। हाँ बाउंडेड बिलो है बट बाउंडेड अबोव नहीं है, दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन 93 के जो राइट आंसर है वो हमारे ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड है। तो ये थे हमारे दिसंबर 2018 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम जून 2019 के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।